हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आप लोग तो ठीक होंगे बट मेरी हालत ख़राब है आजकल, क्योंकि सर्दी जुकाम तो आपको लग ही रहा होगा कि मुझे हो रखा है, बट उसके साथ साथ मुझे जॉइंटिस भी हो गया है। करीब करीब एक हफ्ता हो गया है मुझे रेस्ट किए हुए, इसलिए मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो रेस्ट करना भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है शरीर में। और अभी बाहर निकलने का मौका मिला है, तो अभी हम जा रहे हैं शीतला। वहाँ पर एक अंकल हैं जो जड़ी बूटी टाइप्स कुछ लिक्विड बनाते हैं, जो कि जॉन्डिस के लिए होता है। तो अभी चलते हैं हम वहाँ और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वो बनाते हैं। वैसे तो बना के वो रख चुके हैं अभी, बट फिर पूछेंगे उनसे किस तरह से बनाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हरा भरा है, जड़ी बूटियाँ वगैरह काफ़ी रहती हैं, पेड़ पौधे हैं, तो कुछ ना कुछ जड़ी बूटी बनते ही रहती हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तो हम लोग कह नहीं सकते कि कौन सी पौधे से कौन सा जड़ी बूटी बनता है। बट बहुत लोग जानकार हैं यहाँ पर और वो इन चीज़ों को जानते हैं, तो वो लोग बनाते हैं। उनमें से ही एक अंकल हैं जो इन्हीं पेड़ पौधों से लेके वो जो जॉन्डिस का दवाई है वो बनाते हैं। तो अभी मेरे साथ है मिस्टर कार्तिक, ये मेरा भतीजा है और इसको इसका घर का नाम भैया है। तो ये मेरे साथ आया हुआ क्योंकि थोड़ी बॉडी में मेरी वीकनेस है अभी, तो मैंने कहा चलो बाइक ही चला लेगा। तो फिर हम निकलते हैं अभी अंकल के पास, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं आधे रास्ते में, और तो रास्ते में हमें मटर की खेती मिली थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि अभी क्या हालात हैं यहाँ पर मटर के। तो ये आप देख सकते हैं मटर पूरी सूख चुकी है, और नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी हो चुकी है। तो यहाँ पर करीब करीब 4 से 5 महीने हो गए हैं बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी। और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ऊपर, वहाँ पर तो फिर भी पानी थोड़ी बहुत है, तो थोड़ी बहुत अभी हमारी मटर बची हुई है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर की हालत। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये पूरी सूख चुकी है मटर पानी ना होने की वजह से। सो गाइस, अभी चलते हैं आगे की ओर, ये रहा हमारा रास्ता। सो गाइस, चलते चलते हम रास्ते पे रुके हुए हैं अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है काफ़ी। तो यहाँ पर जंगल में आग लगी हुई है, आजकल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, हर जगह आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से आग लगी हुई है यहाँ पर।
पूरी वहाँ तक पूरी आग लगी हुई है और जगह जगह काफ़ी आग लग रही है उत्तराखंड में। और ये पेड़ देख सकते हैं आप, ये पूरा पेड़ यहाँ से जला हुआ है, अभी भी धुआं उठ रहा है उसमें से। ये देख सकते हैं, तो अभी चलते हैं हम अपने सफर की ओर। वो ये रहे हमारे अंकल। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अंकल जी के पास, जिनका नाम है रेवाराम जी। और ये प्यूड़ा ना, ये जगह जो है ये प्यूड़ा है, जो कि नौलीखान, जो कि शीतला में पड़ता है। सो कभी भी अगर आपको दवाई की जरूरत हो जॉन्डिस की, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। तो गाइज, अभी अंकल जी से पूछते हैं कि ये किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जड़ी बूटियों से ये जो भी लिक्विड तैयार करते हैं वो सिर्फ पूरा जड़ी बूटियों से करते हैं। तो अभी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से इसको तैयार करते हैं। तो अंकल जी, मतलब आप कैसे, किस तरह से बनाते हैं इसको? हम जैसे जड़ी ढूंढ लाए, अच्छा, जमीन से, उसके बाद हमने घर में आके कूटा है, अच्छा, कूट के इसको हम कपड़े से छानते हैं, अच्छा, पानी इसमें, उसमें तो कूट लिया हमने जड़ी हुई, उसके बाद पानी मिलाया उसमें, उसके बाद हमने इसको कपड़े में छान लिया, छान लिया इसको बोतल में भर देते हैं, फिर एक पुड़िया डालते हैं, एक पुड़िया जो आती है बाजार में, अच्छा, ये दवा जो महंगी मिलती है बाजार से लाता है, खरीद के 2000 रुपए किलो, अच्छा अच्छा, अब एक पुड़िया एक बोतल में पड़ती है, ये पुड़िया भी हम घर में घोटते हैं, वहाँ से साबुन लाते हैं ना, तब यहाँ घोट खाते, काफी मेहनत लगती है मतलब। हाँ, अरे फिर एक ये होता है ना कि घर की चीज है और अपना क्या है, ऑर्गेनिक हो जाता है, फिर पूरा जड़ी बूटी वाला हो जाता है, तो फिर वो चीज ज्यादा कारगर रहती है, काम भी करती है। वैसे तो मेरे पास 2-3 साल पहले से ये विदेशी भी आते हैं, अच्छा, जो ये जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं, वो आते हैं मेरे पास, नहीं मैं वो, मैं वो लिख के ले जाते हैं, अच्छा अच्छा, तो हमसे पूछते हैं कि कौन कौन जड़ी किस काम में आती है, वो जड़ी हम बताते हैं, अच्छा, वो लिख के ले जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी हो, यहाँ पर तो इतने पेड़ पौधे हैं कि मतलब अच्छे खासे बीमारियों को खत्म कर, हमारे और ठंडे में रखना इसको, अच्छा अच्छा ना? इसको लेना भी तो कितना है, किस हिसाब से लेना है वो? बस 7 खुराक बनानी है एक बोतल की, 7 टाइम आधा पौन गिलास देखा, अच्छा ना, तो जैसे ये गिलास है इसका आधा पौन गिलास का लगभग, अच्छा आधे थोड़े, हाँ 7 खुराक ये समय हिला लेना है इसको, अच्छा। सो गाइज, कुछ साल पहले मेरे कज़न ब्रदर को भी जॉन्डिस हुआ था, तो वो इन्हीं के पास आया था और इन्हीं से दवाई लेके गया था। सो वो अभी बहुत सही है और उसका जॉन्डिस वगैरह सारा सही हो चुका है इनकी जड़ी बूटी लिक्विड वाली खा के। सो अभी अंकल जी से हमने जड़ी बूटी ली है, तो देखते हैं अब आगे कैसा रहता है। बट अगर आपको कभी जरूरत हो तो इनसे जरूर मिलिए। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं घर की ओर। सो रास्ता देख सकते हैं कितना सुहाना है, अभी मजा आ रहा है काफी। सो गाइस, अभी चलते हैं एटीएम, थोड़े से पैसे निकाल लेते हैं।
सो गाइज अभी पहुंच चुके हैं हम वापस अपने घर, और यहाँ से करीब करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा मुझे, आधा किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। एंड गाइज अंकल जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।